दोस्तों, आज के टाइम में आपको लव करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो किसी को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन लव मैरिजेस देखने के लिए बहुत कम मिलती है। लव होता है लेकिन लव मैरिज नहीं हो पाती, और उसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि उनकी फैमिली उस लव मैरिज के फेवर में नहीं होती। सो, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी इंसान से शादी करना चाहते हैं और आपकी फैमिली आपके फेवर में नहीं है, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो इसे शेयर भी करें। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, साथ में रहने के, साथ जन्म निभाने के कसमें वादे खाते हैं, और जब बात आती है शादी की तो आपके पेरेंट्स आपकी शादी के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब आप एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तो कि क्या किया जाए। एक तरफ होते हैं वो माँ बाप जिन्होंने आपको ये ज़िंदगी दी है, आपकी खुशी के लिए ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं, उन्होंने आपके शादी के सपने बचपन से सजाए हैं, और वो आपसे बस एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि आप उनकी मर्जी से शादी करें। सो, क्या आप उनका दिल दुखा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। दूसरी तरफ होती है वो लड़की या वो लड़का जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, जिसके साथ में आप बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसके साथ आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशली, इन्वॉल्व हैं, एक रिलेशनशिप में हैं और बहुत सीरियस हैं। एक इंसान जो आपके साथ सालों से है, आपके भरोसे पर कि आप उससे शादी करेंगे, तो क्या आप उसे धोखा दे सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। सो, क्या किया जाए, किसे चुना जाए? देखिए, इस मैटर पे हर किसी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि किसी भी इंसान को उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए उसको वो प्यार करता है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि जिन माँ बाप ने आपको ये ज़िंदगी दी है, आपके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपके दुख सुख में हमेशा आपका साथ दिया है, उसको छोड़कर आप उस इंसान को क्यों चुने जो सिर्फ 4 दिन पहले ही आपकी ज़िंदगी में आया है? सो, देखिए, इसके कुछ रीजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका पहला रीजन है कि आज के टाइम में एक ऐसा इंसान ढूंढना, ऐसा इंसान पा लेना जो आपको रियल में दिल से इतना ज़्यादा चाहता हो, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पर आपको स्वार्थी लोग मिल जाएंगे, मतलबी लोग मिल जाएंगे, आपका यूज़ करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको दिल से चाहे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। सो, अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है तो उसको खोना किसी भी कंडीशन पे नहीं बनता। दूसरा रीज़न, अगर आप अभी उस इंसान को चुनकर उससे शादी कर लेते हैं तो माँ बाप को तो आप शादी से पहले, नहीं तो शादी के बाद कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, नफ़रत नहीं कर सकते, और उनको कन्विंस करना आज नहीं तो कल ईजी होता है, वो कन्विंस हो ही जाते हैं। बट अगर आपने उस इंसान को छोड़ दिया, वो लड़का है, वो लड़की है, अगर वो आपसे छूट गई, तो उसके छूटने का मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए उसको, उससे दूर हो जाना है, पूरी ज़िंदगी के लिए उसको खो देना है। सो, उस इंसान को चुनकर आप दोनों को चुन रहे हैं, क्योंकि प्यार को चुनने का मतलब यह है कि प्यार तो आपका आपके पास आ जाएगा और माँ बाप भी आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएंगे। माँ बाप को लव मैरिज के लिए कैसे कन्वेंस किया जाए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तीसरा रीज़न, दोस्तों देखिए, आज के टाइम में मैरिज सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। वो पुराना टाइम था, वो बीता हुआ कल था, जब शादी हो जाए तो वो निभ जाती थी चाहे कैसे भी करके, लेकिन आज के टाइम पर डाइवोर्सेस बहुत होते हैं, सेपरेशन बहुत होते हैं, जिसके साथ में लोग खुश नहीं होते, उसके साथ में वो नहीं रह पाते। सो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है, जिससे आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे और खुशी से बीतेगी, उससे आप शादी करें, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपके माँ बाप एक अनजान इंसान से आपको मिलवा देंगे, और आपको उसके बारे में भी नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या पता कोई और हो, वो भी ऐसे ही मजबूरी में शादी कर रही हो या कर रहा हो। सो, एक सक्सेसफुल शादी के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए आज के टाइम पर ज़रूरी है आप अपनी मर्जी से शादी करें, क्योंकि थोपी हुई शादी आज के टाइम पर कोई भी नहीं निभा पाता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फोर्थ रीज़न, देखिए दोस्तों, जो आपके माँ बाप हैं वो आपकी लव मैरिज के लिए क्यों अगेंस्ट हैं, उन पर कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। एज, कास्ट, लुक्स,
जमाना, पैसा, इन्हीं चीजों की वजह से वो आपको लव मैरिज के लिए रोक रहे हैं। और ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पर सामने वाले की कास्ट क्या है, वो कैसा दिखता है, वो पैसे वाला है या गरीब है, और लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस पुराने टाइम पर हुआ करती थी, जिस टाइम के आपके माँ बाप हैं तो उनकी सोच उसी टाइम की है जब वो पैदा हुए थे। सो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज के टाइम पर अप्लाई नहीं हो सकती है, ये चीज आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। उन रीजंस की वजह से जो आज के टाइम पर वैल्यू ही नहीं करते, आप अपने प्यार को ना छोड़े। फिफ्थ रीजन, पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर इस लड़का या लड़की को आप छोड़ के अरेंज मैरिज कर लेंगे, चाहे गुस्से में ही क्यों नहीं, कुछ टाइम बाद आपकी जब फैमिली बन जाएगी उस इंसान के साथ में, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये फैक्ट आप ही जानते हैं कि आजकल का जो टाइम है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ में ही फैमिली बनाकर खुश हो जाए। आज के टाइम पर कंपैटिबिलिटी, इक्वालिटी, मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ पर मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैच हर किसी का हर किसी के साथ में नहीं होता। ये चीज़ आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लव मैरिज करें, उस इंसान से शादी करें जिस इंसान को आपने प्रॉमिस किया है, जिसको आप प्यार करते हैं। सिर्फ पेरेंट्स की नादानी की वजह से आप उस इंसान को ना छोड़ें। दोस्तों, ये वो 5 रीजन है जिनके वजह से आपको पेरेंट्स और प्यार में से अपने प्यार को चुनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप लव मैरिज ही करें, थोड़ा टाइम ले, अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करें। किसी भी तरीके से आप प्यार करने की हिम्मत रखते हैं तो पेरेंट्स को कन्वेंस करने की भी हिम्मत रखिए। पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस किया जाए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। होप ये वीडियो आपकी उलझी हुई जिंदगी में थोड़ी राहत लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्ते।